Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. इस vlog की शुरुआत रो guys, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ बोर्ड लगा है बिठूर का, तो आप गाइज देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ध्रुव टीला बिठूर। तो हाँ गाइज, आपने सही देखा, हम लोग पहुंच चुके हैं बिठूर। तो गाइज बिठूर हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि गाइज आज से स्टार्ट हो चुका है बिठूर महोत्सव, जो कि गाइज आज से लगेगा, 3 दिन तक लगेगा, मतलब कि 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक, तो 3 दिन लगातार बिठूर महोत्सव चलेगा। तो आज उसकी शुरुआत हो रही है, तो हम लोग गाइज इसीलिए आज पहुंच चुके हैं बिठूर, चलते हैं। और गाइज वो लगा है हमारा नाना राव पार्क में, वो भी गाइज बिठूर में ही है, जहाँ पे पूरा महोत्सव 3 दिन चलेगा। तो कैसा है क्या है चल के आपको पूरा दिखाएंगे। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहाँ पे जो हमारे सिंगर हैं कैलाश खेर, बहुत बड़े सिंगर हैं बॉलीवुड के, तो गाइज आज वो भी आ रहे हैं, तो उनका कॉन्सर्ट भी है शाम को 7 बजे, तो वो भी आपको देखने का मौका मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा। तो फटाफट आ चुके हैं बिठूर, तो बस खाली पहुंचते हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा हमारा नाना राव पार्क, और आपको दिखाएंगे कैसे वहाँ पे चल रहा है, क्या तैयारी हो रही है, कैसा क्या हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें होंगी, कॉम्पिटिशन भी हो रहे हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें होनी है, गंगा आरती भी होनी है, और बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो आपको सब बारी बारी दिखाएंगे। आज के दिन अपना बहुत एडवेंचरस होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, और सबसे मेन चीज़ गाइज, क्योंकि हमारे जो सिंगर है कैलाश खेर वो आने वाले हैं, तो उसके साथ पूरा हम लोग फुल एंजॉयमेंट करेंगे, आज उनका कॉन्सर्ट लाइव देखेंगे, पहली बार उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा जाएगा, तो मजा आएगा, आपको दिखाएंगे। यार हम लोग से अभी पहुंच चुके हैं ध्रुव टीला बिठूर में, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, तो चलते फटाफट पहुंचते नाना राव पार्क, और आपको दिखाते हैं कैसी चल रही वहाँ की तैयारियाँ। बाकी भाई आज के दिन बहुत हैक्टिक होने वाला है, थकावट वाला हो जाएगा, लेकिन मजा बहुत आएगा, आज आपको कुछ ना कुछ बढ़िया दिखाते रहेंगे। ये पालियों में निकलने यहाँ से फटाफट पहुंचते नाना राव पार्क, डायरेक्ट आपको वही मिलेंगे। ओके गाइज, यार चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं बिठूर महोत्सव में। आप गाइज ये चेक कर, यहाँ पे एंट्री करते हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, चलते हैं यहाँ से आगे, बैनर लगे हुए हैं, आपको और दिखाते हैं अंदर कैसा क्या माहौल है। फिलहाल हमने अंदर एंट्री तो कर ली है, और क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या होने हैं, कैसा क्या है, सब आपको बताएंगे, सब दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं एंट्री करते हैं, पहुंचते हैं आगे मेन गेट पर, और इसमें क्या क्या वहाँ हो रहा है। ये फाइनली हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कैसा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो गाइज आप ये चेक करें, एंट्री करते हैं, हमारा जस्ट सामने प्रोग्राम चल रहा है स्टेज पर, तो कैसा प्रोग्राम है क्या है, चलते हैं आपको सामने से और पूरा दिखाते हैं, अभी बच्चे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। यार चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं कैसा इवेंट हो रहा है। आप सामने ये चेक करें गाइस, कुछ यहाँ पे बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये चेक करें। यार चलिए, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पे हो रहा है गाइज स्टेज परफॉर्मेंस, जैसा हमारे बच्चे लोग कर रहे हैं, और गाइज आपको वाला एरिया दिखाते हैं जहाँ पे हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है कैलाश खेर का। कैलाश खेर जब आएंगे तो कहाँ पे कॉन्सर्ट होगा, आपको वाला एरिया दिखाते हैं। ये चेक करें, ये वाला एरिया हमारा जहाँ पे गाइज हमारा कैलाश खेर कॉन्सर्ट होने वाला है। यार चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारे कैलाश खेर आएंगे, इनका कॉन्सर्ट होगा। गाइज आप ये चेक करें, ये हमारे सामने का स्टेज जहाँ पे गाइज वो पूरा कॉन्सर्ट करेंगे, और आप ये चेक कर पा रहे हैं ये हमारे वीआईपीज के लिए, बाकी हमारे नॉर्मल पब्लिक के लिए सीट्स वहाँ तक पीछे तक लगी हैं। तो फिलहाल मैं ट्राई करूंगा यहाँ तक मैं आ जाऊँ, ताकि यहाँ तक बैठ सकते हैं भाई, यहाँ पे तो वीआईपीज का तो इधर बुक रहेगा, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं कोशिश करूंगा यहाँ तक मैं आ जाऊँ, ताकि यहाँ से शूट कर पाएंगे सामने का, तो आपको इतना व्यू दिखा पाएंगे, हमारे कैलाश खेर का सामने होंगे तो इतना जूम करके आपको दिखा पाएंगे। फिलहाल चलते हैं, अभी तो आएंगे नहीं, 7 बजे का टाइम है उनका, तो 8 बजे पहले क्या ही आएंगे। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 5, तो अपने पास अभी 3-4 घंटे हैं, फिर चलते हैं थोड़ा टहलते वहलते हैं, आपको और सब एरिया दिखाते हैं आसपास का, और कवर करते हैं। बाकी मैंने यहाँ गाइस व्लॉग बना रखा है, अगर आपको देखना है तो मैंने पूरा बिठूर किला का यहाँ का पूरा मैंने व्लॉग बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, जब ये फंक्शन हट जाएगा तो वापस से आपके लिए एक बढ़िया एक और व्लॉग बना दूंगा। ओके अब ये चेक करें, मैं जैसे बाहर आया पीछे कॉन्सर्ट से जहाँ पे होना है, आपको दिखाते गाइस यहाँ पे बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी रंगोली बनाई है। तो गाइस आप ये चेक करें, आपको दिखाते हैं लाइन से कितनी कलरफुल कलरफुल रंगोली है। गाइस ये चेक करते हैं, यहाँ पे फ्लावर की रंगोली है, ये भी गाइस फ्लावर की है, ये भी फ्लावर की है। गाइस ये हमारे नाना राव पेशवा, ये चेक करें कितना बढ़िया खूबसूरत बनाया इनकी रंगोली, आप ये चेक करें गाइस, इन्होंने किला बनाया है, आपको आगे दिखाते हैं। गाइस ये चेक करें, वहाँ पे इंडिया गेट बना हुआ है तिरंगा के अंदर, इंडिया गेट, हुमायूं तोम, कुतुब मीनार, ये चेक कर पा रहे हैं। इसके आगे गाइस इन्होंने ये बनाया हमारा बिठूर महोत्सव पे पूरा किला बनाया है। अब जैसा आप जानते हैं ना कि किला किस वजह से फेमस है, अपनी झांसी की रानी। तो गाइस आप ये चेक करें, हमारी झांसी रानी कितनी प्यारी बनाई, बच्चों ने पूरा देख पा रहे हैं, इतना बढ़िया बनाया, लगी नहीं रहे तुम रियल लग रहा है, और पूरी रंगोली बनाई है भाई पूरा जमीन पे, कितनी खूबसूरत है। यार
यार चलिए फाइनली जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे अंधेरा हो चुका है और आप ये चेक करें पूरी लाइट्स ऑन हो चुकी है यहाँ के नाना राव पार्क की। और गाइस यार टाइम हो चुका है 6:30, जैसा बताया जा रहा है कि कैलाश हीरा कॉन्सर्ट है 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है, अपने पास आधा घंटा है, चलते फटाफट अंदर वही बैठते चल के जहाँ पे कॉन्सर्ट होना है, बिकॉज भीड़ बढ़ गई है, बहुत लोग आ रहे हैं और भाई मजा आएगा बिकॉज कैलाश हीरा कॉन्सर्ट है और भाई फ्री में हो रहा है ना, बिना टिकट के हो रहा है, तो हर कोई आएगा, तो चलते फटाफट मस्त सीट कवर करते हैं और बैठते हैं आराम से और यार पूरा एंजॉय करेंगे, ट्राई करेंगे आपको दिखा पाए जैसा भी है। बाकी रात में कितना अच्छा व्यू आ रहा है ये चेक करें भाई, सामने का व्यू चेक करें गाइस कितना बढ़िया लग रहा है, दिन में मैंने आपको दिखाया पूरा भी नाना राव पार्क भाई, रात का व्यू देखिए कितना बढ़िया। चलिए आपको दिखाते हैं, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको खाने के लिए चाहिए ना ऑप्शन यहाँ पे खाने में क्या क्या है, तो गाइस ये चेक कर हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं पे खाने में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको खाने के लिए, तो फूड कोर्ट दिखाते हैं गाइस क्या क्या है यहाँ पर। ये चेक कर लीजिए, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे निगम डोसे वाले के डोसा, इडली, चाउमीन, फ्राइड राइस, पाव भाजी, आप देख लीजिए गाइस इनके प्राइस लिखे हुए हैं, मसाला डोसा, पनीर डोसा, इडली, पाव भाजी, चाउमीन, फ्राइड राइस, ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। करें ये हमारा सेकंड स्टॉल श्री पंडित जी, आपने गाइस को दिखा होगा इनको माल रोड पे बहुत फेमस है, काफी लोगों ने इन पे रील्स बनाई है, वीडियोस बनाई है, और सेकंड स्टॉल इनका लगा है यहाँ पे पाव भाजी वगैरह जो जो आपने खाया है यहाँ पे फेमस सब मिलेगा। हमारे समोसे लगे हैं, इधर हमारे गुलाब जामुन है और आपको दिखाते हैं इधर हमारे गाइस बताशे हैं गोलगप्पे, इधर हमारी चाट और इधर भी गाइस हमारे समोसे एंड जलेबी। यार चलिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये था हमारा फूड स्टॉल, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, 3 दिन तक लगा हुआ है, 3 दिन तक आइए आराम से खूब खाइए मजे करिए। फिलहाल गाइस चलते हैं हम लोग अपने इवेंट की ओर जो कि हमारा सामने गाइस कैलाश के किसी वक्त आ सकते हैं, तो हम लोग लेट नहीं करते फटाफट पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यार चलिए फाइनली हमको फूड कोर्ट में आए थे तो मैंने आपको दिखाया, तो मुझे भी भूख लगाई, तो गाइस हमने ले लिया यहाँ पे मस्त एक समोसा और अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी है, जैसे अपनी कॉफी आती है मस्त समोसा कॉफी करेंगे और सामने हमारा जल्दी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है कैलाश का, वेट नहीं करना फटाफट खाते हैं फिर निकलेंगे। बढ़िया मस्त अपनी पेट पूजा हो गई है, अब चलते हैं आराम से डायरेक्ट बैठते हैं बिकॉज कैलाश के आने में आधे घंटा है, तो चल के सीट कवर करते हैं, चलिए फटाफट चलते हैं मस्त बैठते हैं सीट पर बिकॉज कैलाश के आने का टाइम हो रहा है, तो छोड़ेंगे नहीं पूरा एंजॉय करेंगे। कहते हो बिठूर महोत्सव में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। चलिए फाइनली हमारे ये कैलाश के राज चुके आपको दिखाते हैं। कलाकार जिसने करोड़ों दिलों को छुआ, आधा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मास, जाना जो भी लाल तो तेरे प्यार में दीवाना हो गए। यार चलिए आप सुन पा रहे क्या वॉइस है गणेश गिर की, यार क्या बढ़िया वॉइस है, आप ये चेक करें भाई क्या बात गा रहे हैं गणेश गिर। आज ये श्रेय गया है हमारे अभिजीत सिंह सांगा भाई, हमारे छोटे भाई हैं, जिन्होंने ये ठान लिया कि नहीं कैलाश खेर जी को लाना ही है और हमने भी फिर ठाना था कि आना ही है, तो ये शुभ घड़ी आज आ ही गई। ऐ मेरे जनता जनार्दन राम तुल्य महानुभावों, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर आकर, एक तो मौसम भी प्यारा, आप भी प्यारे, सब सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे नहा धो के आए हों, जबकि कितने नहीं किए हैं, सर्दियों में आलसी बनते हैं बहुत सारे, फिर भी प्यारे लग रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे देखें शो जैसे टीवी देख रहे हों, तो अब आप थोड़ा नाचिए कूदिए थोड़ा लगाइए, हमको भी लगे कि हाँ बिठूर गए थे हम, कुछ यादें हमें भी आई अच्छी वाली। तौबा तौबा वे तेरी सूरत, भी हैं नाच भी रहे हैं, वाह बहुत गजब, यहां से ये याद तो हम लेके जाएंगे कि बिठूर के वासियों में एक हुनर था कि वो बैठे बैठे देखें डांस। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, कभी अंबर से
सूर्य बिछड़ता है, कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई ना लोग कैलाशा जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया में ऑडियंस को एक यादगार मोमेंट दे के जाते हैं एंड दिस इज द मोमेंट राइट नाउ राइट हियर। हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम, बने रहो। अगर उसी ढंग से किया जाए तो ये बहुत अलग होता है और मेरे भाई ने कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अभिजीत भैया, गॉड ब्लेस यू। हमारे स्वरांजलि, ये जो प्रोडक्शन है स्वरांजलि एंटरटेनमेंट, जिसके ये अधिष्ठाता खड़े हैं यहाँ पर, संदीप श्रीवास्तव कानपुर ही के हैं, लोकल हैं, आप के हैं, ठीक है। चेक करें, ये पूरे बैंड वाले हैं, कैलाशा बैंड वाले, जो कि हमारे कैलाश खेर के जो टीम में मेंबर थे। गाइस ये चेक कर, मैं आपको दिखा दिया जो स्टेज परफॉर्म कर रहे थे कैलाश खेर जी के साथ। गाइस ये सारे मेंबर थे, आप चेक कर पा रहे हैं, ये देखिए आप। गाइस यार चलिए बताइए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने आपसे जैसे कहा था कि बहुत हैक्टिक होने वाला है, बहुत एडवेंचरस होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है, तो आई थिंक गाइस आपको मजा आया होगा। मैंने आपको पूरा कवर किया, पूरा कॉन्सर्ट दिखाया, कैलाश खेर का लाइव परफॉर्मेंस दिखाया, और भाई क्या भाई वो गाते हैं, क्या उनकी आवाज़ है, क्या उनकी वॉइस है यार, हैट्स ऑफ भाई, मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया। तो गाइज ये आपको आज का व्लॉग पक्का चला होगा, मैंने बहुत मेहनत करी, पूरा दिन देखिए मैंने आज यहाँ पर दे दिया, पूरा शूट किया, आपको दिखाया, आपको पूरा मजा आएगा। तो इसी बात पे गाइज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और भूलिएगा मत। तो ठीक है, इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।